मुझे मम्मी याद आ गई सच में। शिट पागल हो गए दोनों। तो ये आ गए अपन कावासाकी के शोरूम। ये असलियत है ये जो जनता को पता चलनी चाहिए थी। मंजिल था वो मेरे लिए। क्या बात है, तालियां ही भाई, अच्छे से जोश ही नहीं आया भाई। गॉड तो टाइम हो रहा है करीब 1:09 एंड गाइस ये मतलब वीडियो आज जो मैंने बनाया ना ये एक्चुअली बड़ा खिचड़ी वाला वीडियो बन गया। तो खिचड़ी ऐसे बन गई कि जैसे ही मतलब घर से निकले, घर से निकलते ही थोड़ा सा मतलब मैं व्लॉग प्रॉपरली नहीं कर पाया। उसके बाद पीहू जब आई तो मैं उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो एक्चुअल में एक काम करो कि पहले जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था वो देख लो। तो टुडे आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आज मेरे से मिलने कोई स्पेशली दिल्ली में आया है। तो सबसे पहले तो उसको पिक कर लेते हैं जो स्पेशल पर्सन है। वैसे आप लोग उनसे मिले हुए हो एक बार, बट काफी टाइम के बाद दोबारा मिलके आपको मजा आएगा। तो एनीवेज यहां से उनको पहले पिक करते हैं। पिक करने के बाद एक स्पेशल जगह जहां पे नॉर्मली मैं जाना अवॉइड करता हूं, क्योंकि अगर मैं वहां जाता हूं ना तो मेरे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं आज वहां पे जाके खर्चे बढ़ने वाले हैं या मैं अपने आप पे कंट्रोल करने वाला हूँ, तो अभी तक पता नहीं है। बट लेट्स ट्राई, मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं अपने आप पे कितना कंट्रोल है मेरा। तो आज या तो मैं कंट्रोल करने वाला हूँ या फिर दोबारा खर्चों पे आने वाला हूँ। आपको क्या लगता है? कंट्रोल करोगे? कंट्रोल करूंगा, खर्चा करने नहीं देंगे हम। अच्छा आप नहीं करने दोगे? तो ये कंट्रोल नहीं होता, ये कंट्रोल करवाया जाता है। A few moments later. Finally, ये पकर हमारे साथ आ गई है। इसको पिक कर लिया और जब से पिक किया है ना तब से चुप नहीं हुई है अभी तक। 10 मिनट से सिर्फ बोले जा रही है। मैं आपसे कितने दिन बाद मिली हूँ ना, तो भाभी से तो कितने ज्यादा दिन बाद मिली हूँ। Oh my God. Yes. Oh my God. इतना खुशी में मैचिंग पहन के भी आई। Yes. देखो, अच्छा मैच भी कर लिया तुम लोगों ने। ऐसे से सॉफ्ट है। सब जानते हैं मुझे। सब जानते हैं आपको? Yes, सब जानते हैं मुझे। तो थैंक यू टर्बो फैमिली मुझे भी जानने के लिए। प्लीज ये इंट्रोडक्शन मेरा तो इंट्रोडक्शन दे दो फिर। He is my dada. इंट्रोडक्शन। तो ये मेरी बिटिया। Meanwhile. पागल हो गए दोनों। तो ये आ गए अपन कावासाकी के शोरूम एंड लेट्स गो इनसाइड गाइस। ओह 10R विद रेस फिट एंड लेट्स गो इनसाइड। वैसे एसी लगा हुआ था शायद। तो यहाँ पे ओ माय गॉड द बाइक इज रेडी। सब लोग मेरा ही वेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से। सॉरी यार, सॉरी लेट हो गया मैं। तो वहां पे जितने भी लोग जो वेट कर रहे थे ना, वो वेट एक्चुअल में इसलिए कर रहे थे कि मैं हो गया था काफी लेट। मैंने टाइम दिया 2 बजे का, मतलब 1 से 2 बजे का मैंने एक स्लॉट दिया था कि मैं शोरूम पे आ जाऊंगा बाइक डिलीवरी के लिए। तो टर्बो फैमिली के कुछ मेंबर्स जो दुबई से थे एंड काफी टाइम से मेरे से कॉन्टेक्ट में थे, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली मैसेज किया कि भैया प्लीज हमारी बाइक की डिलीवरी है और आपको आना ही आना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा, बट टाइम दिया मैंने 1 से 2 और मैं पहुंचा 2:30 बजे। तो बेचारे वो भी वेट करते करते ना बड़े अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। तो एक काम करो आगे का व्लॉग जो जैसे बना है वैसे देख लो। फाइनली अपन अंदर तो आ गए, काफी सारे लोग मेरा वेट करते हुए। हाय तेरी कितना हालचाल। सूरज की तरफ काले आ रहे हो? ना ना मैं काला, यहाँ से गोरे आ रहे हैं। यहाँ से गोरे आ रहे हैं, ये होता है देखो, मतलब एक्चुअली परफेक्ट जो यूट्यूबर्स होते हैं ना उनकी निशानी होती है कि उनको सब पता होता है। और हम इमैच्योर लोग हैं, बस कैमरा उठाते निकल लेते हैं। इमैच्योर लोग बताओ, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, बीएमडब्ल्यू पे इमैच्योर कह रहे हो अपने आप को। हर्ष पावा यूट्यूब चैनल भी है भाई का, एंड फॉलो करो, थोड़ा सा प्यार दो इनके चैनल पे भी जाके। तो यहाँ पे एक बाइक की डिलीवरी एंड लेट्स अनकवर इट। क्या बात है, तालियां ही भाई, अच्छे से जोश ही नहीं आया भाई। गॉड सो दिस इज कावासाकी निंजा 1000। डिटेल बताएंगे पाजी आज, आओ। हाँ डिटेल बतानी है ना, मतलब मैंने कलर ही पहली बार देखा है। 2022 मॉडल है। ओके 22 में जो नए कलर सारे हैं वो ये वाले हैं। एक ये है, एक ग्रीन एंड ब्लैक कलर है। अच्छा भाई ने देख लो भाई, एक्रापोविक। एक्रापोविक ठीक है, पहले दिन ही। तो आवाज सुना दो फिर। ओए होए 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 होए, स्वीट साउंड। ओ तेरी यार, आवाज बड़ी प्यारी है इसकी। हाँ ये चाबी तो ले लो।
तो आज साथ में अजिताभ भाजी फाइनली कावासाकी के अंदर, एंड बाइक बहुत ही प्यारी लग रही है, बड़ी अमेजिंग लग रही है बाइक। ओह सुपर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। 2 आवर्स लेटर। सच का खुलासा करना जरा। हाँ अब स्टार्ट हो जाओ। जब हम पंजाब गए थे ना, तब अब मुझे ना एक बहुत अच्छी बाइक लगी थी, BMW थी। मैंने बोला मुझे इसमें बैठना है। इन्होंने बोला हाँ चलो मैं राइड करा के लाऊं। इन्होंने बोला अच्छे से पकड़ के बैठ जाओ। मैंने ऐसे पकड़ के बैठ गई और हम बहुत अच्छे से राइड पे गए। बिल्ली मार दी और मैं ऐसे ऊपर लटक रही थी इनको ऐसे पकड़ के, और गाड़ी ऐसे खड़ी हो चुकी थी पूरी इतनी ऊपर। मतलब आप सोचो मैं गिर सकती थी, इतनी ऊपर से गिर सकती थी मैं नीचे। मैं हवा में थी हाँ, और इन्हें धार से गाड़ी ऐसे नीचे छोड़ी। मुझे 5 मिनट का अटैक आया और फिर हम वापस आए वहाँ। बच गए तुम जिंदा। 5 मिनट का अटैक। 5 मिनट का अटैक के बाद मैं जब तक वापस नहीं आई तब तक मैंने कुछ बोला नहीं था इनसे। ये असलियत है, ये जो जनता को पता चलनी चाहिए थी। खौफनाक मंजिल था वो मेरे लिए। मतलब मेरे चैनल पे मुझे ही रोस्ट किया जा रहा है। वाओ ये सच का सामना है। ये चल क्या रहा है मेरे चैनल पे, मुझे रोस्ट करके। सच का सामना एक्सपीरियंस किया मैंने। ये मेरी बातों पे तो लोगों को विश्वास नहीं होता, उनको लगता है मैं झूठ बोलती हूँ। कितना डराते हैं ये। अब ये लड़की सबूत है। ये करते हैं ऐसा थोड़ा मेरे साथ। ये देख तूने, ये कैमरा पूरा उलट पुलट हो गया था। मैं भी पूरी उलट पुलट हो गई थी। यही खासियत है इस इंसान की कि ये ऐसी हरकतें करते हैं हमारे साथ। ये देखो फिर से ये क्या, ये जो कैमरा इधर उधर गया है ना, और अपन बजे आपसे बदला लिया जाएगा इस चीज का। ये दरिंदा देख लो उसको ध्यान से। इतनी 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 मम्मी मुझे मम्मी याद आ गई सच में। मम्मी तो याद आ गई। शक्ल देख लो इसकी, ये तो मुझसे भी ज्यादा सदमे में है। आवाज तो सुना दो आवाज। बस फाइनली भाई साहब आ गए हैं। 10 मिनट का कह के करीब करीब 50 मिनट में पहुंचे हैं यहाँ पे। 50 मिनट में आयो 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 आयो। तो भाई ये निकल चुके हैं अब हम गुड़गांव की तरफ, और फाइनली अब हम यहाँ से बॉटल हाउस कैफे गए थे। बॉटल हाउस कैफे में काफी इंजॉय किया। म्यूजिक बहुत बढ़िया चल रहा था और बहुत तेज चल रहा था, इसलिए अंदर मैं व्लॉग नहीं कर पाया। इनका तो म्यूजिक ही खत्म नहीं हो रहा था भाई दोनों का। मतलब एक्सपोज भी करूंगी मैं इंस्टाग्राम। एक्सपोज करोगे, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम पे एक्सपोज करोगे ना मुझे। केजे भाई ने कुछ नया भी सामान बुक करा दिया है। क्या करा दिया भाई? सामान बुक करा दिया आपके लिए। सामान ही है। हाँ ठीक है, जरूरी था। वो जरूरी था, वो सामान भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा सामान है? ऐसा सामान। तो वही, किसी का खून खराब अगर दिल्ली में हो जाए तो बस याद कर लेना, नहीं कोई पकड़ लेना, यही है। पहले से एक्सपोज कर रहा हूँ। मतलब पहले आपने लिया Note 3, नहीं Note कैमरा, Note 2, फिर Note 3, ठीक है, अभी S22 अल्ट्रा, चाह क्या रहे हो लाइफ से? बड़ी दिक्कत हो रही थी संभालने में। मैंने कहा एक छोटा फोन ले लेते हैं। ये वही दिक्कतें हैं, जब पैसे नहीं संभलते ना तो लोग कहते हैं कि यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ लेते रहो, बस पैसे संभल नहीं रहे हैं। जेबों में से निकल निकल के ऐसे बाहर आ रहे हैं। मतलब ये मत बोलो पैसे तो नहीं संभल रहे, वो तो कुछ और है, कहीं और है वो तो। ये बात तो कहीं और होनी चाहिए, यहीं होनी चाहिए। कैमरा घुमा अपनी तरफ। ये लो, ये रहे। ये ऐसे घूमता है कैमरा। अरे नहीं भाई, हम तो गरीब लोग हैं,
BMW वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, फॉर्च्यूनर वाले, जो चलाने को नहीं मिलती मुझे, तो शॉफर फ्री का मिला हुआ है लाइफ टाइम, और क्या चाहिए। सुनो सुनो एक चीज बताओ, अभी आप एक गाड़ी ले लो ठीक है, और गाड़ी के साथ में शॉफर लाइफ टाइम फ्री मिल रहा हो, तो फिर आप गाड़ी चलाओगे? शॉफर क्या होता है? शॉफर मतलब ड्राइवर, ड्राइवर का थोड़ा एडवांस वर्जन, पढ़ा लिखा वर्जन, पढ़ा लिखा नहीं। आज मैंने एक वर्ड सीख लिया, आज मैं भी स्कूल गया था। ये देखो देखो जरा भाई, गॉड ट्रोल पे ट्रोल मैं ही हो रहा हूँ, मैं ट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही होता जा रहा हूँ, हद्दी हो गई भाई गॉड। तो एक काम करते हैं, गुड़गांव चलते हैं, कुछ खा पी के ना फिर थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर एनर्जी आने के बाद फिर थोड़ा मैं ट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हूँ यहाँ पे बेल्जियम वॉफल एंड दिस इज इन गुड़गांव, और यहाँ पे ये वाले भाई पहचान गए थे मेरे को। तो ये पहचान गए, एंड पहचाने कितने क्यूट तरीके से ना, एक राइडर है उनकी आवाज़ सेम मिलती है। गलत राइडर बन गए, शेप बढ़ा ली भाई मैंने, काफ़ी पुराना देखा होगा इन्होंने, एंड हायाबुसा राइड्स, हायाबुसा चलो यार राइड वाइड बना लो, कोई लंबी राइड बनाओ, आउट स्टेशन दिल्ली से बाहर की राइड, फाइनल कमिंग सून। तो फाइनली केजे भाई का मील, क्योंकि वहाँ तो कुछ खा नहीं पाए, हम वहाँ से पकड़ के बाहर से ही दिया इनको, बाहर के बारी कल्टी करवा दी हमने, ये भी जाएंगे, इनका कुछ मन नहीं है खाने का, नहीं ना पेट भर गया, पेट भर गया, मैंने शेक पिया था। ओ भाई, और ये देखो इनको जितना मर्जी ठूस वालो, ये ठूस लेंगे बस, वॉफल है ना, वॉफल खाने इतनी दूर आ गए, बोलो तीन पहले खा चुके हैं, मतलब ये चौथा वॉफल भी अकेले अकेले ठूस रहे हो, मिलेगा भी नहीं। अब मिलेगा, वो तो आप देना ही नहीं चाहते थे, वैसे भी मन ही नहीं था देने का, ऐसा ही होता है भाई, ये सेहत का राज है। अब ये मेरी सेहत बढ़ाना चाहिए। तो हम पहुंच गए तफरी वफरी मार के गुड़गांव में, पूरी मस्ती करके फिर से बॉटल हाउस कैफे, और बॉटल हाउस कैफे में ना हमने मैंने मंगाई टर्बो कॉफी, मतलब दैट वॉज आइस कॉफी एंड पानी एक्चुअली, बस और कुछ नहीं होता है टर्बो कॉफी में, और वो पिला दी हमने केजे भाई को। तो ये वो स्पेशल ड्रिंक, ये वो टर्बो कॉफी, इसे टर्बो कॉफी कहते हैं, टर्बो कॉफी नहीं है। मैं बताता हूँ क्या होता है, जब हम दूध और दही इकट्ठा खा लेते हैं, दिखा रहते हैं खट्टे खट्टे गंदे गंदे, और कभी कभार ना वो पानी निकलता है ना जब अंदर से, एक बदबूदार, बिल्कुल बदबूदार वो पानी का टेस्ट आया मुझे, मतलब इस बात पे मैं एक बात कहूंगा भाई, बंदर क्या जाने होता कड़वा, अपन अदरक का स्वाद, बोलो ये देखो ये ऐसा बंदर भी नहीं बनना कि ऐसा अदरक पीना पड़े, टर्बो कॉफी एंजॉय। ड्यू टू अ लॉट ऑफ लाउड म्यूजिक अगेन बात वही हुई कि बॉटल हाउस कैफे के अंदर हम कुछ ज्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाए, क्योंकि जब पीछे से म्यूजिक चल रहा होता है ना तो कॉपीराइट इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और लास्ट में यही होता है कि या तो 15 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करो या फिर नहीं करो, वो ज्यादा बेटर है। बट वहां से जब निकले तो बाहर एक गाड़ी थी जिसको एक्चुअली गलत जगह पे एक बंदे ने पार्क कर दिया था, और कुछ लोग आए उनको रास्ता नहीं मिला, और वो शायद ड्रंक थे या गुस्से में थे या क्या रीजन था मुझे नहीं पता, पर वो उस गाड़ी को पूरा मतलब क्या करके गए वो आगे देख लो। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे पता नहीं, कोई किसी की गाड़ी खड़ी हुई थी बीचों बीच, तो वो थोड़ी सी गलत खड़ी करके चले गए, और कोई आए, अब उनको रोड नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला, वो उनकी गाड़ी ठोक ठाक के और पीट पाट के चले गए। ओह शिट। अच्छा अच्छा, ये रही ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी है, इसका शीशा तोड़ा है पूरा। हां जी हां जी पूरा। हां ये लड़के भी हैं यहां पे खड़े हुए। अच्छा अच्छा, ये इसका तोड़ दिया शीशा वीशा सब। ओके चलो, शुगर है हटी तो वो बना। हाँ हट तो गई, बट उसका नुकसान हो गया। तो कभी भी गाड़ी खड़ी करके जाते हो भाई कहीं पे, तो अपना नंबर लगा के जाओ प्रॉपरली, और वैसे तो प्रॉपरली पार्क ही करके जाओ, गलत जगह पे पार्क मत करो। अब ये कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो गया जिनकी गाड़ी थी, क्योंकि वो गलत खड़ी करके गए थे, और जिसने तोड़नी थी वो तोड़ ताड़ के निकल लिया अपने रास्ते, तो जिस जो तोड़ के निकला उसका भी नुकसान हो सकता था, अगर वो पकड़े जाते या कैमरे में आ जाते कहीं तो उनका भी नुकसान होता ना। तो दोनों जगह गलती है मैं तो यही मानता हूँ, बट ऐसा करो ही मत कि कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए।
दिन हमेशा हंसते खेलते और बिल्कुल मस्ती में निकल जाना चाहिए अपना। एंड बिलीव मी गाइस, जब आप बिल्कुल मस्ती में रहते हो और हर चीज अच्छे तरीके से करते रहते हो तो कई बार ऐसा होता है कि कैमरा उठाना भूल जाते हो, काम भूल जाते हो, कई बार काम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको कवर अप करने के लिए मैंने सोचा कि आज घर पे बैठ के थोड़ा सा बीच बीच का कवर अप कर लेता हूँ ताकि आपको स्टोरी लाइन समझ में आ जाए कि आज के दिन में क्या हुआ। तो वैसे आज के दिन में मतलब काफी मस्ती रही और काफी फन रहा, और अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेहनत भी पसंद आ गई तो भी लाइक कर देना। टाइम हो रहा है इस टाइम 2, मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और सब कुछ करते कराते अभी मेरे ख्याल से बज जाएंगे मुझे 3:30। 3:30 बजे मैं सो जाऊंगा और 7 बजे 7:30 पे एक्चुअली आप ये वीडियो देख लोगे। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। एंड वर्क हार्ड टू लिव लार्ज, हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू गुड नाइट।